हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉइड रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, देखते देखते मार्च 2020 आ गया है, तो इसी बात पे आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन बताऊंगा जो आप मार्च 2020 में यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जितना भी एप्लीकेशन बताऊंगा सभी एप्लीकेशन बहुत ही औसम है और आपको पसंद जरूर आएंगे। सो अगर आपके स्मार्टफोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फास्ट एप्लीकेशन का नाम है नेविगेशन एनिमेशन। ये एक स्मार्ट नेबर एप्लीकेशन है और इस नेबर एप्लीकेशन में आपको 500 प्लस डिफरेंट एनिमेशन मिलता है जो आप नेबर में यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अलग अलग कैटेगरी का यूनिक एनिमेशन भी मिलता है जो आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। और मेन फीचर तो बोला भूल ही गया, यहाँ पर आप जो खुद का कस्टम नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं गैलरी से, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। सो अगर आपकी नेविगेशन बार को कुछ अलग लुक देना चाहते हैं, यूनिक लुक देना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को ट्राई करके देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस, ये आपको एप्लीकेशन कैसा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लगा है। और इस एप्लीकेशन के साथ साथ सभी एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है ऑरेंज टेल। भाई, जिसे देखो इंस्टाग्राम पर हर कोई ऑरेंज टेल पिक्चर शेयर कर रहा है। ये एक ट्रेंडिंग कलर फिल्टर बन गया है जो कि हर कोई इमेज के ऊपर फिल्टर यूज़ करता है और इंस्टाग्राम पर शेयर करता है। सो अगर आप भी आपकी पिक्चर्स को अमेजिंग ऑरेंज एंड टेल लुक देना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए, तो भाई इस एप्लीकेशन को ट्राई जरूर करें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप जो है कुछ ही सेकेंड में किसी भी इमेज को आप ऑरेंज टेल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखते कितना ऑसम लग रहा है यार। और कलर एडजस्ट भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग कलर फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्वा ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, एक्वा ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, मोडी ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन्यू में कलर फिल्टर भी मिलता है, तो आपके हिसाब से आपकी पिक्चर्स को कस्टमाइज कीजिए और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, आपको लाइक जरूर मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है जो आप किसी भी पिक्चर्स को एक सेकंड में ऑरेंज टेल बना सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन का नाम है नोटिफाई बॉडी। गाइस, आजकल जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं लगभग सभी स्मार्टफोन में आजकल नोटिफिकेशन एलईडी एक तरह से गायब ही हो गया है। सो अगर आपके स्मार्टफोन में एलईडी नोटिफिकेशन टर्न ऑन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन एलईडी मेरे फ़ोन पर ऑन कर दिया है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर आपके फ़ोन में एलईडी लाइट इस तरह से ब्लिंक करेगा, जो काफ़ी अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन, जहाँ पर आप सेटिंग में जाके एलईडी कलर को चेंज कर सकते हैं, एलईडी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ये सेव पसंद नहीं आ रहा है तो आप सेव्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको पोजीशन सेट करना है तो पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो कितना कुछ कस्टमाइज करने को ऑप्शन मिलता है इस नोटिफाई बॉडी एप्लीकेशन में, जो कि आप आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन एलईडी टर्न ऑन कर सकते हैं जो कि इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन के नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर एक अलग किस्म का वॉलपेपर एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको पावरफुल एडिटिंग टूल मिलता है जिसको यूज़ करके आप किसी भी वॉलपेपर को आपके खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप खुद के अकॉर्डिंग किसी भी वॉलपेपर को कस्टमाइज कीजिए, एडिट कीजिए, और यहाँ तक कि आप जो है 2D इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं किसी भी वॉलपेपर में। और इस एप्लीकेशन में HD, अल्ट्रा HD, 4K जैसे रॉयल्टी फ्री वॉलपेपर्स को आप डाउनलोड करके सेट भी कर सकते हैं। तो कितना मस्त वॉलपेपर एप्लीकेशन है यार, इस वॉलपेपर को एक बार ट्राई करके जरूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फिफ्थ एप्लीकेशन का नाम है बैटरी नॉच। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है आपके स्मार्टफोन के नॉच में बैटरी स्टेटस बार को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, और यहाँ तक कि आप अगर कलर को चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग थीम्स डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कितना सारा थीम्स डिज़ाइन है जो आपके स्मार्टफोन के नॉच में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने वाला है। और इस नॉच की सेटिंग में जाएंगे तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें, अगर आपके स्मार्टफोन के नॉच के नीचे कुछ अलग फीचर ऐड करना चाहते हैं, स्टेटस बार ऐड करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। सिक्स नंबर एप्लीकेशन का नाम है बिग लॉन्चर। बिग लॉन्चर में आपको सिंपल होम स्क्रीन मिलता है, जहाँ पर आपको सभी आइकन्स बिग साइज में देखने मिलेगा। और इस लॉन्चर के स्पेशली सीनियर लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनको आंखों में कम दिखता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो विजन प्रॉब्लम है।
तो उन सभी लोगों के लिए ये लॉन्चर को डिज़ाइन किया गया है। सो अगर आपके घर में ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है जिनके हाथ में स्मार्टफोन है और उनको आँखों में कम दिखता है, तो यार इस लॉन्चर को उनको इंस्टॉल करके दे दीजिए, और ताकि उनको फ़ोन इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो इस लॉन्चर के कॉन्सेप्ट और फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मुझे आप कमेंट करके बोलिए इस एप्लीकेशन का या फिर इस लॉन्चर का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन के नाम है फायरफॉक्स सेंड। फायरफॉक्स सेंड एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन में आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप जो बिना डरे बिना झिझक किए आप किसी भी पर्सनल फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, और लिंक भी एक्सपायर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी लार्ज साइज फाइल्स को सेंड करना तो वो सेंड भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। सो अगर आपके इंपोर्टेंट फाइल्स को प्राइवेट एंड सेफ रखना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देख सकते हैं, जो आपको फायरफॉक्स फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। 8th एप्लीकेशन का नाम है क्विक ARC लॉन्चर 2। ये एक यूनिक और कमाल का एप्लीकेशन है और इस लिस्ट का मेरा फेवरेट एप्लीकेशन भी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से जैसे ही आप फोन में फिंगर को स्वाइप करते हैं तो एक अलग ही लॉन्चर लॉन्च हो जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कलरफुल लॉन्चर लॉन्च हो जाता है, जिसमें आप जो है किसी भी फेवरेट एप्लीकेशन का आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं। और आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और कस्टमाइज का फीचर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो है सेटिंग में जाके इस क्विक लॉन्चर को आप आपकी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी फेवरेट एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कलर मॉडिफाई भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कितना सारा मॉडिफाई फीचर भी मिलता है इस एप्लीकेशन में। जैसे आपकी फ़ोन में फिंगर को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर एक लॉन्चर लॉन्च हो जाता है और आप एप्लीकेशन को क्विक एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस एप्लीकेशन में, और आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर से ट्राई करो, जो एक अलग किस्म का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन के नाम है डिजिटल कैलेंडर। ये एक ब्यूटीफुल और क्लीन कैलेंडर एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन की मदद से आपकी होम स्क्रीन में आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं और आपके नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप डे, वीक, एजेंडा, मंथ भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे आपके हिसाब से, और जो कि एक यहाँ पर आपको अलग अलग थीम्स भी मिलता है इस कैलेंडर एप्लीकेशन में, जो आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल और क्लीन कैलेंडर एप्लीकेशन ट्राई करना है तो इस एप्लीकेशन को ट्राई करके देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्लीन कैलेंडर एप्लीकेशन है। नंबर 10 एंड लास्ट एप्लीकेशन का नाम है ब्रिक गेम। तो गाइस आपको मार्च 2020 में एक गेम भी खेलना चाहिए, और ये एक मोस्ट पॉपुलर गेमिंग कंसोल है जहाँ पर आपको 90s जमाना के सभी प्रकार आर्केड गेम्स मिल जाता है, जो आप खेल पाएंगे आपकी स्मार्टफोन में, और अलग अलग लेवल को खेल सकते हैं, अलग अलग क्लासिक थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं इस गेम में। तो ये एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्लासिक गेम है जहाँ पर आपको सभी प्रकार आर्केड गेम्स देखने मिल जाता है, और इस गेम को मैंने बहुत ही ज़्यादा खेला है यार। और अगर आप भी इस गेम्स को कभी खेला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, जो कि मेरा पुराना यादें ताज़ा भी हो गया है और फ्रेश भी हो गया है। तो इस तरह के गेम आप खेल सकते हैं मार्च 2020 में। सो गाइस, इस वीडियो पर मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट एप्लीकेशन बता दिया है जो आप मार्च 2020 में यूज़ कर सकते हैं इन सभी एप्लीकेशन को। और यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन बताया इन सभी एप्लीकेशन में आपको कौन सी एप्लीकेशन पसंद आया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ।